तुम कहाँ रही हो? आपको छोड़ने। घर तक? नहीं नहीं दरवाजे तक। How sweet, चलो मैं चलता हूँ। Okay, bye. अब तो सीधे क्लब हाउस जा भी नहीं सकता, अंजलि के सामने सोसाइटी के बाहर निकल जाता। बाय बाय। अरे मैं तो बुरा फंस गया, मेरे अलावा सब लोग क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। जैसे ही अंजलि घर के अंदर जाएगी मैं चुपचाप क्लब हाउस के अंदर चला जाऊंगा। मेहता साहब इधर, यहाँ तक पहुंच गया। अगर अंजलि घर चली गई होगी तो मैं भी क्लब हाउस खेल सकता हूँ। अरे इनको भी अभी बाहर निकलना था, मेरे अलावा सब लोग क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। बाकियों ने ऐसा क्या बहाना ढूंढा होगा जो मैं नहीं ढूंढ पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग अभी भी बहाना ढूंढ रहे हो? क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ आता नहीं। अरे हाँ बबीता, बबीता। हाँ यार बोलो। बबीता सोचो क्या हुआ। मैं सोच के बताती हूँ। बबीता अभी सोच के बताओ। अय्यर तुम मुझे नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या हुआ है? बबीता घर को बाद ने मिलने के लिए बुलाया है। तो उसमें इतने खुश होने की क्या बात है? बबीता मेरे को बाद ने इसलिए मिलने के लिए बुलाया है कि उसको मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। ओके ओके नाइस। तुमको कुछ ही नहीं हुआ? आई मीन तुम्हारा काम बॉस को हमेशा अच्छा ही लगता है, सो नथिंग न्यू फॉर मी। हाँ लेकिन हो सकता है इस बार मेरा प्रमोशन हो जाए। Really? इसलिए मैं अभी बॉस को मिल के आता हूँ। एक मिनट एक मिनट, इस वक्त अभी? तो अभी बॉस ने अभी बुलाया है तो अभी जाना पड़ेगा ना। पर अगर मैंने भी हमारे लिए बाहर डिनर का प्लान किया था। डिनर? हाँ। तो स्वीट ऑफ यू बबीता, लेकिन बॉस ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है गो अहेड। सो सॉरी बबीता, लेकिन आई प्रॉमिस हम लोग जल्दी डिनर पर जाएंगे। ओके ठीक है। अय्यर तुम इन कपड़ों में बॉस से मिलने जाओगे? नो 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 नो, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। एक्साइटमेंट। हाँ तुम आ जाना, मैं तो अभी पहुंच रहा हूँ। ओहो इनके सामने तो जा नहीं सकता, अभी जबरदस्ती बाहर जाना पड़ेगा। वेलकम अय्यर। ओह मैंने सोड़ी को बोल तो दिया कि मैं क्लब हाउस पहले पहुंच जाएगा तुम आ जाना, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि वो पहले आ जाएगा मैं बाद में पहुंचेगा। चुप नहीं रहो मेहता साहब। आप? हाँ मैं। अरे आप ऑफिस से अभी आ रहे हैं? मैं जींस और टी शर्ट में हूँ भाई, मैं ऑफिस से नहीं मैं घर से आ रहा हूँ। तो फिर इधर क्यों आ गए? हमें तो क्लब हाउस जाना था ना। जाना तो क्लब हाउस ही था लेकिन मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। ये दो मैडम का वजह से ना? नहीं मेरी घर की मैडम की वजह से, अंजलि मुझे बाहर तक छोड़ने आई थी। मैं तो ये दो मैडम का वजह से इधर आ गया। देखा मैंने, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, ये पार्टी शार्टी का जगह चेंज करें। कहाँ जाएंगे? अरे वो मत करो, क्लब हाउस जाना है, वो लोग पहुँच गए होंगे। अरे बाकी लोगों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सोड़ी से मेरा बात हुआ, वो अभी तक घर पर ही है। वो की गल कर रहे हो? वो नहीं नहीं वो की गल कर रहे हो तू सी? ओ नहीं नहीं ये सूट से सूट आयो है, एक ही बार दोनों बार क्यों बोल रहा है? और रोशन डार्लिंग वो गली कुछ ऐसी है, मैं पूरी बात बताता हूँ। हाँ जी वो है कि पाना बन गया, वो मैंने आके सब सेट कर देना है जी, और तुसी फिकर ना करो। हाँ बस मैं अभी निकल रहा हूँ घर से। हाँ जी चंगा जी, रब राखा। उठो रोशन। अरे रोशन डार्लिंग वो मेरी क्लाइंट की गड्डी ना वो बीच सड़क बीच खराब होगी।
अच्छा तो मेनू रिपेयर करने ना जाना पड़ेगा। अरे तू क्यों जा रहा है, हैप्पी भाई को भेज दे। वो हैप्पी को भेजूंगा ना तो क्लाइंट अनहैप्पी हो जाएगा। हाँ क्योंकि वो गड्डी सिर्फ मैं रिपेयर कर सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्या है उस गड्डी में? ऐसा कुछ भी नहीं है उस गड्डी में। कुछ भी नहीं है? क्योंकि वो विंटेज गड्डी है, पुराने जमाने की, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी नहीं है उस गड्डी में। इसलिए वो गड्डी सिर्फ मैं और मैं ही रिपेयर कर सकता हूँ। अच्छा तो मैं जाऊँ? सांबल सांबल रोशन, तूने खाना नहीं खाया, डिनर तो करके जा। डिनर? ओए मेरी पोली पार्सल, ओ मेरी क्लाइंट की गड्डी सुनसान सड़क पे जंगल के बीचों बीच खड़ी है। अगर मेरे पहुंचने में थोड़ी सी भी देरी हो गई ना तो मेरा क्लाइंट किसी शेर का डिनर बन जाना है। हाँ ये पंच है। तो मैं जाऊँ? नहीं नहीं, ओ बेटो बिल्कुल आज नहीं। क्यों? अरे क्योंकि अभी अभी तूने बोला ना कि गड्डी सुनसान सड़क पे जंगल के बीचों बीच खड़ी है, तो अगर तेरे पहुंचने के बाद अगर शेर आ गया तो शेर का डिनर तो तू बन जाएगा। नहीं नहीं यार, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल। क्यों, तू शेर का स्वीट डिश बनना चाहती है? हाँ? ओए मेरी शेरनी, तू शेर का टेंशन ना ले। और मेरा नाम रोशन सिंह सोडी है, रोशन सिंह सोडी। हाँ लेकिन ये बात शेर को नहीं पता ना। ओए मेरी सियाणी पार्सन, अगर वो जंगल का शेर है तो मैं भी पंजाब का शेर हूँ, पंजाब का शेर। मैं यूं गया तो यूं आया। मैं जाऊं? रोशन उनकी तू ऐसे जाएगा? तैयार तो हूँ, चेंज भी कर लिया। मतलब तुझे पहले से पता था कि गड्डी खराब होने वाली है? ए, नहीं नहीं, सुनिए गल ऐसी है कि जब मैं अंदर था दूसरे कपड़ों में तो क्लाइंट का फोन आया, तो उसने बताया कि उसकी गड्डी खराब हो गई, तो मैंने पूछा कैसे, तो फोन कट गया, फिर मैंने चेंज कर लिया, फिर उसको दोबारा फोन आया और मैं बात करते करते बाहर आया। उसके बाद का तो सब क्लियर ही है ना। हाँ तो मैं जाऊं? हाँ रोशन, टूल किट लिए भी नहीं जाएगा? हाँ क्योंकि विंटेज गाड़ी का टूल किट अलग होता है और वो टूल किट उसी गाड़ी में है। ओ, मेरे क्लाइंट को गड्डी चलाना आता है पर टूल किट चलाना नहीं आता, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? हाँ हाँ जा, लेकिन जल्दी आओ जे। हाँ डिनर बाकी है और मैं वेट करूंगी, जब तक तू नहीं आएगा ना मैं भी डिनर नहीं करूंगी। अब देखना मेरी पोली पार्सन तो कैसे दौड़ी दौड़ी चली आएगी मेरे पास अप्रैल फूल बनने। सुविचारिच जानी? हाँ जा रहा हूँ, चंगा सत श्री अकाल। ओए चल रोशन सिंह छोटी, इससे पहले कि तुझे कोई देख ले फटाफट क्लब हाउस पहुंच जा। ओ तेरी, ये लेडीज तो यहाँ वॉक कर रही है। एक काम करता हूँ, मैं कंपाउंड से होते हुए बाहर चला जाता हूँ, तो जब ये लेडीज अपने घर चली जाएंगी तो चुपचाप क्लब हाउस चला जाऊंगा। ये भाई साहब बेहतर ही आएगा। हाँ। गुड इवनिंग सोडी। गुड इवनिंग आपका। तुसी दोनों इतने वो पार्टी शार्टी की जगह चेंज हो गई है क्या? जगह चेंज नहीं हुई है, सिर्फ जाने का रास्ता चेंज हुआ है। ए, मेहता साहब उतनी पहलिया बुझा रहे हो, तो मैं कुछ समझा नहीं। जिन दो मैडम की वजह से तुम यहाँ आए हो, उन्हीं दो मैडम की वजह से अय्यर यहाँ पर है और मैं अंजलि की वजह से यहाँ पर। इन दोनों मैडम में एक अंजलि पर चाहिए? अरे नहीं भाई, अंजलि मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। वो एक मिनट यार, अगर हम तीनों यहाँ है तो इसका मतलब जेटा पर आती पर और पिलू क्लब हाउस पहुँच गए होंगे। वहाँ पर कौन कौन पहुँचा है ये तो वहीं जाकर पता चलेगा ना। हाँ कोई पहुँचे या ना पहुँचे, आत्माराम जरूर पहुँच गया होगा। क्या करूं, कैसे निकलूं घर से, क्या बहाना बनाऊं? हाँ बोल देता हूँ कि मेरे एक दोस्त के बेटे को करियर गाइडेंस चाहिए, इसने मुझे बुलाया है, ये करेक्ट है। अरे माधी जरा बाहर आना। मैं बाहर ही हूँ। तुम बाहर से आई? नहीं मैं अंदर से आई।
मतलब तुम अंदर से बाहर आई, बाहर से अंदर आई, काय भला करण है? मैं अंदर से ही बाहर आई हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा, आपने बुलाया ना मुझे? हाँ। तो सुनिए, मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड हमारे घर आ रहे हैं अभी, उन्हें आपसे कुछ काम है। क्या? इतना क्यों चौंक रहे हैं आप? नहीं मतलब, क्या? उन्हें मुझसे काम है? उनको बोला मुझसे क्या काम हो सकता है? क्या काम हो सकता है? क्या है, उनको अपने बेटे के लिए आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस। इस्मत क्यों आ रहे हैं वो? इस वक्त रात को क्यों आना है उनको? वो दोनों जॉब करते हैं ना, तो उनको दिन में टाइम नहीं मिलता, अभी ही फ्री वक्त मिलता है, इसलिए उनका फोन आया था मुझे। और मुझे तो पता था कि आज आप सोडा शॉप पे नहीं जाने वाले हैं, तो मैंने आपसे बिना पूछे ही उनको हाँ कह दिया आने के लिए, तो अभी वो आ रहे हैं। ठीक किया ना मैंने? आहो, क्या सोच रहे हैं आप? ठीक किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल, ये दे देना, ये दो में क्या गाइडेंस गाइडेंस पाइजे ना। हाँ हाँ, करियर गाइडेंस पाइजे ना, ये तो। क्या करूं, कैसे निकलूं घर से? कमाल है, जिस बात का मैं बहाना देने वाला था निम्की वही बात मांझी ने बोल दी, अब मैं क्या बहाना बनाऊं? जेठालाल से पूछता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो चार बातें सुनाएगा, किससे पूछू? हाथी भाई से पूछता हूँ। अरे नको नको नको, अभी वो भी बेचारे घर से निकलने के लिए कोमल भाभी को बहाना दे रहे होंगे, बीच में मेरा फोन जाएगा तो खामखा गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे कोमल, सरप्राइज। अरे कोमल, ये सब क्या है? हंस, मैंने तुम्हारे सारे फेवरेट आइटम्स एक साथ बना दिए। कोमल, वो तो मैं देख रहा हूँ, पर ये सब आज ही क्यों? हंस, ये तुम बोल रहे हो? मुझे लगा तुम्हारे फेवरेट आइटम्स देखकर तुम खुश हो जाओगे, मेरी तारीफ करोगे और खाने पे टूट पड़ोगे। कोमल, मुझे धर्म संकट में क्यों डाल रही हो? अगर खाना खाने बैठ गया तो फिर पार्टी शादी के लिए नहीं जा पाऊंगा, वहां सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या सोच रहे हो हंस, खाना शुरू करो। खाना खाने का मन तो बहुत कर रहा है, पर क्या है ना, मुझे अभी एक पेशेंट का फोन आया था, वो बहुत बीमार है, तो मुझे उसे चेक करने जाना ही होगा। अच्छा, पर मैं तो कब से तुम्हारे साथ हूँ, फोन कब आया? कोमल, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, पर फोन आता तो मुझे पता चलता ना हंस। वो तो मुझे ये सरप्राइज के लिए बुलाने आई ना, उससे पहले ही पेशेंट आकर गया, मतलब पेशेंट का फोन आकर गया। अच्छा कोमल, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम मेरा फोन चेक करके देख लो, मतलब तुम्हें मुझ पर सच में विश्वास नहीं है? ओह कम ऑन हंस, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात के लिए तुम थोड़ी झूठ बोलोगे, लो फोन। बेचारी कितनी भोली है। हंस, तुम पेशेंट को देख कर आओ, फिर मैं खाना गरम कर देती हूँ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगी क्लब हाउस में, वो भी अप्रैल फुल बनने। हंस, जाना नहीं? हाँ मैं निकलता हूँ। हाँ। वो मैं बाहर ही जा रहा था। कहाँ पर? इसके बिना इलाज कैसे करोगे? ये तो मैं भूल ही गया। थैंक यू। वेलकम। अब
तो बाहर ही जाना पड़ेगा, फिर चुपके से आऊंगा और क्लब हाउस में चला जाऊंगा। भैया डॉक्टर रात भी इधर ही आ रहा है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुपके बैठे हैं। हाथी ब्रा तुझे कितने जा रहे हो? हमारे साथ क्लब हाउस में आ रहे? अरे मैं आप लोग के साथ क्लब हाउस ही आ रहा था। ये बैग लेकर? अरे क्या है ना कि मैं घर से पेशेंट को चेक करने जा रहा हूँ, ये बहाना करके निकला था, तो ये बैग लेना पड़ा। करेक्ट करेक्ट। ऐसे आप लोग यहाँ हो तो जेठा भाई और भिड़े मास्टर वो कहाँ है? मुझे लगता है वो दोनों क्लब हाउस पहुँच गए होंगे। नेवर मेहता साहब, जेठा लाल क्लब हाउस में पहले पहुँच नहीं सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? मेहता साहब, जेठाला नॉर्मल सिचुएशन में बिना छुपे क्लब हाउस में जल्दी नहीं पहुंच पाता है, तो फिर अभी ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुंच पाएगा? मैं तो कहता हूँ अभी तक घर से निकला ही नहीं होगा। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो तुझसे मिलने आ रहा था, तू कहाँ जा रहा है? किचन में पानी पीने जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन बेटा मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ और आने में देर हो जाएगी, तो तू सो जाना, मैंने घर की चाबी ले ली है। काम से मतलब कहाँ जा रहे हैं? अभी सब कुछ बताना जरूरी है बेटा? नहीं नहीं पापा, आप इस वक्त जा रहे हो ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कोई टेंशन वाली बात हो तो मैं साथ में चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो मैं अपने व्यापारी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। पापा आपको आने में देर होने वाली है तो मैं टप्पू सेना को घर पे बुला सकता हूँ? क्यों? वो एक्चुअली हम सब मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और क्लब हाउस में तो पेस्ट कंट्रोल किया है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे घर पर ही प्रोजेक्ट का काम कर लेते हैं। अच्छा विचार है बेटा, बहुत अच्छा विचार है। बुला बुला सबको, बुला ले और आराम से काम करो इधर, और घर पे ही रहना, हाँ आराम से करो सब। हाँ चलो, ओके बाय बाबा। दोनों महिलाएं गई, चलो चलो। हाँ चलो। जेठा अंकल हाय। मैंने कहा हाय। हेलो। गोली अचानक कहाँ से आ गया? गोली गोली पहचाना नहीं? अरे तुझे कैसे नहीं पहचान सकता बेटा, बाहर जा रहे किस वक्त? हाँ किधर हैं? कहाँ जा रहे हो? बाहर। सोडा पीने जा रहे हो? सोडा 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 पीने जा रहा हूँ। शर्ट पैंट जूता पहन के? क्यों जूता पहन के सोडा पीने नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, वो क्या है हर बार कुर्ता लहंगा और चप्पल पहन के जाते हैं ना, इसलिए। हाँ पर आज जूता पहन के सोडा पीने का मन हुआ तो? नहीं नहीं बराबर है, मन का तो क्या है, मन तो मन होता है ना। हाँ। और वैसे भी एक बार डिसाइड कर लिया कि जूते पहनने, फिर तो शर्ट पैंट ही पहनने पड़ेंगे। ओके कुर्ता और लहंगा के साथ जूता जरा जमेगा नहीं। तू कहाँ जा रहा है इस वक्त? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे तो घर से बाहर क्यों निकला? नेटवर्क घर पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो ढूंढते ढूंढते बाहर आ गया। अरे बाप रे, इसके फोन में नेटवर्क नहीं है, मतलब टप्पू फोन कर रहा होगा तो भी लगेगा नहीं, और टप्पू का फोन लगेगा नहीं तब तक यहाँ से हिलेगा नहीं। क्या हुआ? ये आपने ऐसे किया ना, मन में कुछ बोल रहे थे? हाँ क्या यही कि नेटवर्क का आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा? हाँ अच्छा 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 चल ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मिला नेटवर्क नहीं। बिछानी है क्लब हाउस में अप्रैल फूल की सेज, लेकिन यहाँ पर तो भर गया पूरा पैसेज। कैसे हम जाएंगे कंपाउंड में,
यहाँ पर तो लोग निकलते हैं राउंड पे। दोस्तों जब हम साथ मिलकर कोई प्लान बनाते हैं ना, तो उसमें सबका साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि जब सारे मोती इकट्ठा होते हैं तभी तो हार बनता है, लेकिन ये जो भिड़े नाम का मोती है ना, ये अब तक घर पे फंसा हुआ है। अब देखना ये है कि हम कब क्लब हाउस जाएंगे, कब अब्दुल जी को ग्रीन सिग्नल दे पाएंगे और कब हम अप्रैल फूल के गीत गुनगुना पाएंगे। थोड़ा सोचिए, अगर भिड़े नहीं आया तो भाई हमने सिक्स मारने के लिए बैट तो उठा दिया है, लेकिन भिड़े की वजह से हम कैच आउट हो गए तो अब भिड़े आ पाएगा या नहीं आ पाएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकों की बारिश जरूर होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।